ਇਹਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਾਲਾਂ ਸੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਚਾਹ ਦਾਲ ਪਕਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦਾ गोभी 300 रुपया किलो है, मटर 300 रुपया किलो है। अगला बंदा हूँ गल कर चाचा, गरीब के घर में पहले सब्जी तो पक जाती थी ना, सब्जी दाल। गरीब के घर सब्जी उदो वाधू होंगी सी, उदो 5 रुपये 6 रुपये बड़ी बनती थी, महंगी थी ये भाव होंगी थी उदो। तो हूँ समान ना गल कर सब्जियां भी ये टाइम गोभी की रेट सी 25 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, हूँ 220 रुपये किलो, कि फर्क पाया भी सब्जियां चो ही ना, साढ़े जराइर चो ही है ना जी आ रही है सब्जी, वही जी आ रही है वो क्यों इन्नी महंगी हो गई है। प्याज जड़ा हौला जड़ा प्याज है वो 200 रुपये किलो है, रेहड़ियाँ कोचे रेहड़ी वाले बेचते हैं, दुकान वाले 250 बेचते हैं, 300-350 रुपया किलो प्याज है प्याज। अच्छा चाचा, हमारा ज़रई मुल्क है, बारिशें यहाँ होती हैं, ज़मीनें हमारी हैं, किसान हमारे हैं, फिर भी सब्जी दाल भी गरीब को सस्ती, आटा भी ना हर शहर से पैदा होती है, केड़ी शहर का काम है तबके वाला बस कार्रवाई करेगा तो थले आएंगे ना, जब उतले ही नहीं कहेंगे भाई ये सस्ती बेचो तो फिर वो सस्ती कैसे हो सके। वो बेटा ये गल ये तो जो नहीं कर देगी, इन्हों का काम है दुकाना के छापे मारने, ये दुकाना के छापे नहीं मारते, छापे मरवाए थे उन्हें मरवाया था अपना अयूब ने, उन्हें छापे मरवाए थे दुकाना के उत्ते, जाना चाहिए दुकाना जाके भाव पुछने चाहिए ने, हाँ चेक तो करते नहीं है, दुकानदार आपो अपनी मर्जी कर देने पै जो किसी का मर्जी है भाव लाइए बस अल्लाह अल्लाह खैर अलग होगा। सात सात दुकानें हैं ना, एक का ये रेट है, एक का ये रेट है, एक का ये रेट है, उनको बोलो यार वो तो इतने जाओ उधर से ले लो, बंदा मजबूर हो जाता है। यानी कम करने का बात है।